गाजियाबाद के वसुंधरा से अब बड़ी खबर। वसुंधरा के सेक्टर 1 में भीषण आग लग गई। गाजियाबाद के वसुंधरा से ये बड़ी खबर, जहां पर सेक्टर 1 में भीषण आग लगने से हड़कंप। सोसाइटी के एसी में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में अलग अलग जगहों से एसी में शॉर्ट सर्किट के मामले पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सामने आए हैं। इससे पहले हमने आपको नोएडा की एक तस्वीर दिखाई थी, जहां पर सोसाइटी की 17वीं मंजिल पर एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। दो तीन दिन पहले भी नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी से इसी तरह का मामला सामने आया था। और अब जानकारी ये मिल रही कि गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एसी में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वसुंधरा के सेक्टर 1 का ये पूरा मामला, सोसाइटी में ये घर जहां पर एसी में भीषण आग लग गई। हड़कंप वहां पर मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और देखिए फिर किस तरह से आग जो है वो पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल गई, ऊपर तक फैल गई। कड़ी मशक्कत दमकल कर्मियों को भी करनी पड़ी आग पर काबू पाने में। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 का ये पूरा मामला। एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस गर्मी के मौसम में, चूंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के कई मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जब एसी में ब्लास्ट की वजह से, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह से भीषण आग लगी हो। गाजियाबाद के वसुंधरा से ये मामला सामने आया है। नोएडा से भी एक मामला इसी तरह का सामने आया है, जहां पर एसी की वजह से एक सोसाइटी में 17वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। और 2-3 दिन पहले भी इस तरह की एक खबर सामने आई थी। और भी कई अलग अलग जगहों से, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के, चूंकि देखिए कई राज्य इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। और गर्मी से बचने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त एसी चला कर रखते हैं। समय समय पर एसी का मेंटेनेंस, समय समय पर चेक करना, एसी को स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना, ये सब सलाहें दी जाती हैं एक्सपर्ट्स की ओर से, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।